सो गाइस आज डे टू है, हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसकी वजह से हमारा पूरा दिन ख़राब हो गया। सो हम लोग वापस आए होटल पे, 9:30 हो गए थे, तो हम लोग खाना खा के सो गए। हम लोगों का होटल थामेल में है, यहाँ पे काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं अगर आपको सिर्फ इंडियन क्यूजीन पसंद है, बट आई वुड रिकमेंड दैट यू ट्राई आउट नेपाली क्यूजीन। हम लोग कल कर नहीं पाए बिकॉज बहुत लेट हो गया था और बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स 10 बजे बंद हो जाते हैं, तो आज होपफुली विल ट्राई। सुबह 6 बजे उठ गए थे, सोचा था कि पशुपतिनाथ टेम्पल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया है ऑलरेडी, सोचा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो होटल में ही ब्रेकफास्ट स्प्रेड था, काफ़ी अच्छा था, फ्रूट्स थे, काफ़ी सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस थे। नॉन वेजिटेरियंस के लिए देर वॉज सॉसेज, देर वॉज बॉयल्ड एग एंड ऑमलेट, बाकी पराठे भी थे, थोड़े बहुत नेपाली क्यूजींस भी थे, बहुत सारे फ्रूट्स, ब्रेड एंड ऑल ऑफ दैट था, तो आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर स्टेइंग हियर यू विल हैव अ गुड ब्रेकफास्ट स्प्रेड, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। अब वी आर जस्ट वेटिंग, थोड़ा सा चिल कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग टेम्पल जाएंगे एंड आई विल देन टेक यू देयर। सो वी हैव रीच्ड पशुपतिनाथ टेम्पल, यहाँ पे आपको जो चाहिए आप वो खरीद सकते हैं, सो लेट मी जस्ट शो यू अराउंड। ये पूरा स्ट्रीट है मेरे पीछे, चढ़ाने के लिए, दैट वॉज समवेयर अराउंड 400 नेपाली करेंसी। अब हम अंदर जा रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कहाँ तक फोन वीडियोग्राफी और फोटोज और कैमराज अलाउड है, बट लेट्स सी। मंदिर की एक खास बात है कि इसमें सिर्फ हिंदूज अलाउड है। एक बार हो चुका है इंडियन पॉलिटिशियन के साथ, जिनको मना कर दिया गया था टू एंटर दिस बिकॉज शी वॉज अ हिंदू। आप मेरे पीछे देख सकते हो, इट्स प्रीटी क्राउडेड, बहुत लोग हैं। दिस इज़ अराउंड 11 AM इन द मॉर्निंग और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। वैसे तो ये 4 AM या 5 AM को ओपन हो जाता है, सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू अवॉइड द क्राउड, दैट्स द टाइम यू शुड बी लुकिंग एट। वन ऑफ द अदर सरप्राइजिंग थिंग्स अबाउट दिस टेम्पल इज, यहाँ पे टेम्पल तो है ही बट पीछे इसके क्रिमेशन ग्राउंड है, दैट इज द भागमती रिवर। सो इट्स प्रीटी मच अ ट्विस्ट, देर इज डिविनिटी जहाँ पे आपको अपना लॉर्ड मिलता है, एंड देन देर इज ऑल्सो द एंड ऑफ योर लाइफ वेरी ऑफ लिमिटेड, सो इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। चाहे आप आस्तिक हो या नास्तिक, दिस इज अ टेम्पल दैट इज डेफिनेटली कॉन्सिडर्ड। पशुपतिनाथ से निकलने के बाद हम लोग आए हैं पठान दरबार स्क्वायर। ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, ये काठमांडू में नहीं है, ये ललितपुर में है, बट इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट आफ्टर भक्तापुर। यहाँ पे आए थे, थोड़ी सी धूप लग रही थी, प्यास भी लग रही थी, तो वी डिसाइडेड कि वील वॉक द स्ट्रीट्स एंड हम लोगों ने एक क्यूट सा प्लेस फाइंड आउट किया। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लेमोनेड पियेंगे, थोड़ा सा खाना खाएंगे एंड देन वी विल एक्सप्लोर द रेस्ट ऑफ द पठान दरबार स्क्वायर। पठान दरबार स्क्वायर की टिकट्स आप वहीं से ले सकते हो, इट इज अप्रॉक्सिमेटली 250 पर पर्सन। I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. Stranded, I know how to handle it on my own. On my own. Thank you.
that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road. But even so, I still feel that हम लोग पाटन स्क्वायर गए थे, हम लोग वापस आ गए हैं वहाँ से. बहुत ही सुंदर था वीडियो, तो मैं थोड़ा सा बना नहीं पाई वहाँ पे. बट अब हम लोग थोड़ा सा थामेल मार्केट जा रहे हैं, वी विल एक्सप्लोर थामेल मार्केट. पहले इन सब से लेट्स टेक अ सिम एंड लेट्स शो यू हाउ दैट इज. हमारे होटल के पास में ही है थामेल मार्केट, वॉकिंग डिस्टेंस है, सो इट्स अ ग्रेट लोकेशन. सो लेट्स सी, यहाँ मार्केट में सब कुछ मिल रहा है. सो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ईट. आप नेपाली क्यूजिन भी फाइंड कर सकते हो. आपको इंडियन क्यूजिन खाना है तो इंडियन क्यूजिन भी है. कपड़े खरीदने हैं वो भी है. कैमरा का कोई एक्सेसरी खरीदना है वो भी है. बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो वी हैड गॉट 100 रुपी नोट्स, क्योंकि हमको बोला गया था कि यहाँ पे सिर्फ 100 रुपी नोट्स एक्सेप्टेबल है. बट बहुत जगह बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. तो हम लोग अभी ढूंढ रहे थे कि कहीं पे INR NPR में कन्वर्ट हो जाए. सो एक जगह मिली तो है. दे आर गिविंग अ 1.5 कन्वर्जन रेट, विच इज़ अ लिटिल लो, क्योंकि 1.6 होता है जनरली, और वहाँ काफ़ी जगह पे होता भी है 1.6. सो लेट्स सी इस मार्केट में मिलता है कि नहीं. ये अच्छे दिख रहे हैं कुपरीस, तो ड्राइंग रूम में डेकोरेशन के लिए देख सकते हैं. दिस वन, दिस वन, दिस इज द कवर एंड दिस इज द कुपरी. This is the cover. Uncle, इसका प्राइस क्या है? Nice. कैसा? आप INR भी कन्वर्ट करते हो? What's the rate? 1.55. सो वी फाइनली फाउंड अ मनी एक्सचेंज जहाँ पे INR आप कन्वर्ट कर सकते हो NPR में. दे गिव अस अ रेट ऑफ 1.55, विच आई थिंक इज डिसेंट. बाकी से तो बहुत ही अच्छा रेट है ये. तो वी आर जस्ट गेटिंग द कैश एंड फिर हम लोग फिर से जाएंगे मार्केट, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे. भैया टूरिस्ट सिम कार्ड है क्या आपके पास? सिम कार्ड खत्म हो गया. ओहो, चलो कोई बात नहीं, इनके पास सिम कार्ड खत्म है. नेक्स्ट शॉप. चेन्स की चेन्स, कैप्स. हमारे यहाँ तो समर है तो अभी ज़रूरत नहीं है, बट कैप्स अच्छे लग रहे हैं देखने में. दिस इज ऑल वूलन क्लोथ्स आई गेस. यहाँ पे ट्रैकिंग का बड़ा अच्छा अच्छा सामान मिल रहा है, लाइक वो जैकेट्स, ट्रैकिंग के बूट्स, कपड़े भी हैं. बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस भी हैं, स्कर्ट्स भी हैं, बैग्स भी हैं, काफ़ी एथनिक है. कैश तो हम लोगों को मिल गया, INR एक्सचेंज तो हो ही गया है. बस सिम कार्ड मिल जाए और लेट्स सी. वो वैलिडिटी तो 30 डेज की होती है ना आपकी सिम की? वो भी है, ठीक है. कोई भी सिम लेंगे वैलिडिटी 28 डेज, ठीक है. फिर आगे क्या है? 20 GB आएगा. ओके, डेटा आएगा. कॉल उसमें कुछ नहीं मिलेगा. कॉल 40 मिनट टॉक टाइम आता है. 40 मिनट का टॉक टाइम भी आता है. कितने का है ये? ये पड़ेगा आपको $800 का. 20 GB डेटा मिलेगा और 40 मिनट्स का टॉक टाइम. सबसे सस्ता यही है और कुछ नहीं है इसके अलावा. इसके और 7 दिन का भी है. 7 दिन का भी मिलेगा. सात दिन का कितने का है? सात दिन का मिलेगा 150 प्लस सिम का 100, 250 का. सात दिन तो नहीं, हमें चाहिए आज 6. तो हम लोगों ने सिम खरीद लिया. यहाँ पे दो ऑप्शन थे, 28 डेज लाइक यू हर्ड, एंड एक 7 डेज का भी ऑप्शन था. 7 डेज के साथ लेकिन सिर्फ 5 GB इंटरनेट आता है. सो वी वर अनश्योर कि वो इनफ रहेगा कि नहीं रहेगा, इसलिए हम लोगों ने 28 डेज का लिया है, विच इज़ 800 इन नेपाली करेंसी. और 7 डेज के साथ ये प्रॉब्लम था कि आप टॉप अप नहीं करा सकते हो GBs का, अनलेस आपका वो ख़त्म हो जाए ऑलरेडी 5 GB. सो वी डिसाइडेड दैट 800. फाइनली भैया ने हमको डिस्काउंट भी दिया है. वी आर गेटिंग सिम जो कि 28 डेज की वैलिडिटी है
और प्राइस इसका 600 NPR है एंड 40 मिनट्स का इसमें टॉक। तो जो प्लान इन्होंने पहले बताया था 800 NPR का, वही इन्होंने अब 600 में दिया है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। हम लोगों ने यहीं से सिम लिया है। दिस इज़ एनसेल का रजिस्टर्ड ऑथराइज डीलर है। हम लोगों ने यहीं से सिम लिया है। सो हम लोगों को बहुत अच्छी डील मिल गई। 600 में वी गॉट 28 डेज़ का वैलिडिटी एंड 20 GB ऑफ इंटरनेट। आपको अपना पासपोर्ट चाहिए होगा, फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। उन्होंने बोला था कि पहले ज़रूरत थी, अब नहीं है क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो पासपोर्ट आपको नेसेसरी है, वो आपकी एक फ़ोटो खींचेंगे अपने फ़ोन से और आपके दोनों थंब का एक एक फ़ोटो खींचेंगे। दैट्स ऑल इट टेक्स एंड देन यू विल हैव योर सिम वर्किंग। तो अब चलते हैं कुछ और एक्सप्लोर करने। Leave me stranded, I know how to handle it on my own. Yeah. On my own. And while walking back from the market, वी फाउंड द तमिल डोनर कबाब, जहाँ से हम लोगों ने लिया एक शवरमा एंड एक डोनर प्लेट जो एक्सट्रीमली यमी थी। बाद हम लोग होटल गए और वहाँ से गए डिनर करने टू अन्नकूट, विच वॉज सरप्राइजिंगली अ जैन रेस्टोरेंट, जहाँ पे आपको खाना मिल जाएगा बिना अनियंस और गार्लिक के। एंड वी रिटायर्ड टू बेड बिकॉज टुमारो वी हैड टू वेक अप एक्सट्रीमली अर्ली इन द मॉर्निंग एट 3:30 AM।